आप चार बार चौथी बार अटेंड कर रहे हो या पांचवी बार कर रहे हो? 8, 9, 10 एक मिनट, एक मिनट, माइक देना, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। हाँ एक मिनट माइक देना। नहीं नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए बाकी लोगों के साथ, सबको मोटिवेशन मिलेगा। नहीं नहीं आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, आपकी फोटोग्राफ बाहर लगाएंगे, क्यूटेड साइट का ऑर्डर रिलीज हो जाएगा हमारी तरफ से। मजाक कर रहा हूँ। तो आपने ऐसा कैसे किया, आठ बार कैसे आ गए आप? मतलब सर, मैंने पहले अपनी फैमिली, मदर, फादर, मोबाइल, अपना पर्सनल नंबर, मॉम डैड नंबर, और फिर सर फैमिली में सब में मामा चाचा सब के ब्रदर और उनके नाम पे आप कैसे आ रहे हैं, क्योंकि फोटो आईडी भी चाहिए होता है यहाँ पे। अच्छा नाम आपका है, मेरा नाम है, नंबर उनके है, नंबर और ईमेल आईडी उनके है, नाम बस नंबर मोबाइल नंबर उनके है, ईमेल आईडी भी उनका है, और नहीं तो जरूरत पड़ती तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। कमाल है, लेट्स गो बिग हैंड फॉर हर। डोंट ब्लॉक मी, आगे आने के लिए आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, आपने जो काम किया आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। आइए आप यहाँ पे आइए। Thank you all the very best. अच्छा प्रिया जी, सफल हो गई मेरी। आप तो आते ही रहेंगे वैसे, आप फिर मिलेंगे अगले सेशन में। बिल्कुल नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम भी संदीप ही है। और सर एक्चुअली कल से मेरी ज्वाइनिंग है, बट जहाँ मैंने सुना है, जहाँ मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते होंगे तो वो सोचते हैं कि कैसे हम उस पॉलिटिक्स के अवॉइड करें, कि हमें जाना ही ना पड़े, कोई हमारे बारे में बुरा बोले तो बोलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो माइंड सेट हम कैसे करें? आपके इस क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन है एक तरीके से। एक तो जहाँ पे आप ज्वाइन करने वाले हो वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो। हमारी कंपनी में आना चाहेंगे आप? एनी बड़ी जो जो भी काम कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो? कोई ऐसा घर है जहाँ पे कोई क्लैशेस ना हो? इम्पॉसिबल। जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होनी ही होनी है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज नॉट कि उस ऑफिस में कैसे डील किया जाए उन लोगों से, ये समझना है लोगों से कैसे डील किया जाए। जहाँ लोग हैं वहाँ पर प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे रिलेशनशिप हो। आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट कि ऑफिस में कैसे डील किया जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लोगों से कैसे डील किया जाए। किसी से भी कोई है आपको आकर के सामने से गाली गलौज कर रहा है, कैन यू अवॉइड इट? और आप अवॉइड करोगे तो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे होते नहीं है लोग कि आपका मजाक उड़ा रहे हैं और यू आर अवॉइडिंग इट, और वो और पावरफुल होते चले जा रहे हैं, वो अपनी सारी हदें पार करते चले जा रहे हैं। तो वहां पर अवॉइड नहीं करना है, उनसे लड़ना है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर इट। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आपको ऑब्जर्व करना है कि लोगों से कैसे डील करते हैं। अब ये कैसे समझ आएगा, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, कैसे समझ आएगा लोगों से कैसे डील करना है? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। आपको आंसर मिला? आप लोग हो या नहीं हो? सर आप लोग हो, मैं लोग हूं, हम लोग हैं। क्या हम लोग हैं, जानवर हैं? कुछ लोगों की शक्ल से लग रहा है लेकिन है नहीं। हम सब लोग हैं। तो अगर आपने खुद को समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया खुद को, कि खुद का माइंड कैसे काम करता है, इमोशंस कैसे काम करते हैं, फीलिंग्स कैसे काम करती है, सामने वाले को तो आप समझ ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा हो तो आपको पता ही नहीं है, अपने अंदर क्या चल रहा हो तो पता है ना। ऐसा सोचते तो उसकी वजह से क्या होता है, जब कुछ ऐसा देखते हो जिसको देखने के बाद में कुछ ओपन रह जाता है वहां से, यानी कोई क्यूरियोसिटी, कोई चीज बाकी रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज देख रहे हो और एंड में कुछ सस्पेंस वहां पर उन्होंने छोड़ दिया अगले उसके लिए, तो क्या होता है? मन नहीं करता कि आज ही खत्म कर दो सारे का सारा। ये फैक्ट है या मेरी कोई इमेजिनेशन है? फैक्ट है ना। तो अगर आपने ये समझ लिया माइंड के बारे में तो आपको क्या समझ आया? आपको सिर्फ अपना माइंड समझ आया या सबका माइंड समझ आ गया? हाँ, सिर्फ अपना नहीं आया, अपने आप को अलग मत करो औरों से, अंकल आंटीज। जैसे डॉक्टर है वो कैसे सीखते हैं, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या उनको सिर्फ चूहा समझ आ रहा है या आप भी समझ आ रहे हो? बोलो चूहे की शक्ल वालों, आपको नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप तो चूहे नहीं हो तो आपको कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि जो मोरलेस जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ऐसे ही जो जिस तरह से आपका माइंड काम करता है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये वो, अगर खुद को अच्छे से समझते चले जाओगे तो आपको
हर सिचुएशन में बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर ये बंदा ये कर रहा है या ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा उसे डील कैसे करना है, क्योंकि आपको ये पता है आप खुद से कैसे ऐसे में डील करते हो। कई सिचुएशंस में डराना भी होगा सामने वाले को, नहीं जरूरी नहीं है इस दुनिया में जरूरी। कोई बंदा क्रिमिनल है आपके सामने है और आपके साथ में कुछ गलत करना चाहता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, चाहे वो ऑफिस में हो यहाँ पे हो वहाँ पे हो, वो ऑफिशियली क्रिमिनल नहीं है, लीगली क्रिमिनल नहीं है, बट उनका माइंड क्रिमिनल से भी गया गुजरा है। आए ना, यस सर, आए ना कुछ ऐसे वाहियात लोग माइंड में होते हैं, नहीं होते हैं हमारे रिलेशन में, आसपास में, ऑफिस में, यहाँ पे वहाँ पे, तो उनसे कैसे डील करना है? उनको प्यार करोगे? उनको गले लगाओगे? जो पीठ में छुरा घोप देंगे आपके? तो उनको समझना पड़ेगा ना, उनके क्या फियर्स हैं, क्योंकि उसी से तो उनको कंट्रोल करोगे, नहीं तो कैसे करोगे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको बातें समझ नहीं आती, दुनिया में ऐसे लोग भरे नहीं पड़े yes, सड़कों पे ये सब दिखता है, नहीं दिखता है दिल्ली की सड़कों पे, लोगों को समझ नहीं आता उनको, अगर मैं बैठ करके ज्ञान दूं या ये सब मेरी वीडियो सबको दिखाई जाए, देखो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, ये करो, किसी को समझ आएगा? वहीं पर अगर कुछ कैमराज लगे हों और उनके घर पर चलान जाए 1,00,000 रुपए का, जैसे उन्होंने कुछ गड़बड़ करी, कोई करेगा उस रेड लाइट को जंप? हाँ, तो फिर किससे कंट्रोल हुए वो? प्यार से, बातों से, फियर से। तो कुछ केसेस में फियर को समझना जरूरी होता है। अब अगर आपने अपने फियर को समझ लिया है, इफ यू अंडरस्टैंड योर फियर तो यू अंडरस्टैंड हिज और हर फियर ऑल्सो। अभी किसी ने वाओ बोला था, किसने वाओ? अरे अरे मतलब सुनते ही अच्छा लगा जो मैंने आंसर दिया, अच्छा लगता है ऐसे कुछ आवाजें आ जाती हैं ना, वाओ। इनको इनको दे दो माइक। हेलो सर, जो अभी आपने बोला कि फियर जरूरी है, या क्या कि हम कह सकते हैं फियर जरूरी है, जैसे अगर हमने कभी कोई ऐसा ट्रैक चुन लिया कि जिसमें हमें लगता है कि शायद हम ना कर पाए, तो उस समय में हमारे अंदर फियर आ जाता है कि हम वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उस फियर को कैसे कंट्रोल करना है? मैंने ये नहीं कहा कि फियर जरूरी है, मैंने कहा फियर है। मैंने ये नहीं कहा कि क्राइम जरूरी है, मैंने कहा है कि क्राइम है। समझ गए? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? आप कहते हो कि कैंसर एक बहुत ही बुरी बीमारी है, नहीं होनी चाहिए, मान लिया। अब नहीं होनी चाहिए, वो है, लेकिन तो वहां से शुरुआत होती है उसका सोल्यूशन निकालने की। फियर है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, अब सवाल उठता है फियर क्या करता है हमारे साथ। ये फियर जब भी हम लाइफ में कुछ भी करने वाले होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं और वो रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा होता है, तो फियर हमको पैरालाइज कर देता है। क्या फियर ऐसा करता है? नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, कि जो भी आपका गोल है उससे आप हट जाते हो, ये फियर करता है। तो अब क्या करें? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। ऐसा होता है, ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या सोल्यूशन है? कि जिस वक्त वो फियर आया हमारे अंदर, वो फियर उठा, फियर उठता नहीं है बहुत बार किसी वजह से, अभी हो सकता है आप इस एनवायरनमेंट में उसको फील नहीं कर पा रहे हो, बट जब कुछ ऐसा हो रहा होता है जो उससे बिल्कुल अपोजिट होता है जैसा हम चाहते हैं, तो डर नहीं लगता है? जो हमारे पास होता है उसको खोने का डर नहीं लगता है? जो हम चाह रहे होते हैं उसके ना मिलने का डर नहीं लगता है? तो उस वक्त क्या करें? क्या ये बोले कि फियर नहीं होना चाहिए? क्या फियर से पीछे छुड़ाने के बारे में सोचे, या ये देखे कि फियर से पीछा छूटता कैसे है? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? जब डर लगता है तो हम क्या पूछते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस फियर? यू कांट गेट रिड ऑफ फियर। बारिश हो रही है, यू कांट गेट रिड ऑफ इट। यानी जिस भी वजह से आपको डर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपके अंदर डर है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, ये है ना। अब आप कहोगे मुझे डर ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होना चाहिए, या वो डर लग रहा है क्योंकि कोई ना कोई रीजन है, जैसे कोई बीमारी होती है उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के लेवल पे, होता है नहीं होता है? मतलब जब कोई अंदर बीमारी होती है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है बॉडी के लेवल, स्किन के लेवल पे, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप बोलोगे ये ना हो, या ये कैसे जल्दी से ठीक हो जाए मुझे ये बताओ। दूसरा है, अगर आपका एक्चुअल में माइंड तगड़ा है तो आप उसके कॉज तक पहुंच जाओगे, जो हो सकता है उससे बिल्कुल अलग हो जो अभी दिख रहा है सरफेस लेवल पे। आप उसके कॉज तक पहुंच गए तो क्या हुआ? वो बीमारी ही गई, अगर उस बीमारी के आप कॉज तक पहुंच गए तो। एक है सरफेस लेवल पे, तो ये फियर है, दिस इज नॉट द कॉज, दिस इज अ सिम्टम, कॉज इज समथिंग एल्स।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास में पैसा नहीं है, तो कॉज क्या हुआ? फियर. फियर अपने में कॉज है. फियर इज अ सिम्टम बिकॉज यू डोंट हैव मनी. तो यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू गेट मनी रादर देन थिंकिंग अबाउट गेटिंग रिड ऑफ फियर. पैसा आ गया तो डर कहां गया उससे रिलेटेड? गायब. आपके अंदर डर है ना कि भाई मेरे अगले महीने का रेंट कहां से आएगा घर का. तो अगर आपके अंदर पैसा हो तो उससे रिलेटेड डर है. चोरी होने का डर. अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली. उसके बाद भी चोरी होने का डर है. अगर आपने अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया है, अब सुनना, अभी एक लेयर थी पैसा नहीं है, पैसा आ गया तो पैसे से रिलेटेड डर गया, लेकिन अब ये डर है कि अब ये पैसा जो मेरे पास में आया वो भी चला गया तो क्या होगा, अब उसको भी खोने का डर है. अगर आप खुद को ऐसा बना लो कि पैसा खुद चल करके आपके पास में आए, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में? नहीं है. पैसा उनके पीछे भागता है, वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं. जिसमें कैपेबिलिटी है पैसा उनके पीछे पीछे भागता है. पैसा मतलब क्या? पैसा किसको मिलता है? पैसा उसको मिलता है जिसके बेस पे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो पैसा किसको ज्यादा मिलेगा? जिसके बेस पे वो कंपनी ज्यादा कमा सके. तो आप एक स्पेयर पार्ट के जैसे हो गए उतनी बड़ी मशीनरी में जिसको वो कंपनी बोलती है. तो अगर आप एक ऐसे स्पेयर पार्ट हो कि जिसको अगर निकाल दिया उसमें से तो पूरी की पूरी मशीनरी बंद हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है या नहीं? और अगर आप एक ऐसे स्पेयर पार्ट हो जिसको निकाला और एक मिनट में लाखों लोग बैठे हैं रिप्लेस कर दिया, तो क्या डर में नहीं जियोगे जिंदगी भर? तो अगर आप एक ऐसे वो बन जाओ, ऐसे स्पेयर पार्ट बन जाओ, और वो भी सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, जिस कंपनी में आप हो उस मशीनरी के लिए नहीं, किसी भी मशीनरी के लिए, कि आपको यहां से निकाला कहीं भी फिट किया तो मशीनरी अपनी डबल परफॉर्मेंस पे चली जाएगी. मतलब आपको इस कंपनी से अगर निकाला भी उन्होंने, आपने खुद ने अपने आप को, और आप कहीं पर भी और गए, तो वो कंपनी डबल रेट से ग्रो करने लग जाएगी. अब आपकी वैल्यू क्या है? अब आपके अंदर पैसे से रिलेटेड डर क्या है? बचा कुछ डर? निकालते हो तो निकाल दो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता.